ये बड़ा गर्व है। आ गए सब लोग, ओके। अरुण कुमार भी आ गए, ठीक है। ओके चलिए, सब लोग आ गए। अच्छा बेटा श्रेयांशी, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट डील किया था बेटा, एंड आई होप आप लोगों ने दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो आज क्लास आगे बढ़ाते हैं, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्या कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं उन क्वेश्चनों को क्लास में डिस्कस करूं? प्लीज टेल मी, यस सर डिस्कस कर दीजिए तो मैं डिस्कस करूं। बताइए बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सीबू कह रहा है यस सर। अच्छा बेटा शुभांकर, क्वेश्चन दिखाओ मेरे को, लैपटॉप उठा के पास मिला मेरे। ओके भाई सीबू बेटा, ठीक है आप कह रहे हो। क्या सीबू तुम्हें ट्राई नहीं किया बेटा? कुछ पास में आ सकता है लैपटॉप मेरे, यहाँ या नजदीक मेरे? ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। नहीं दूर नहीं, पास में रखो, क्या खड़े हो तुम खड़े हो, उसको मैं खड़ा करूँ, घर वाले उसको देख लेते हैं। दिखाओ। हाँ ओके, क्वेश्चन था कैलकुलेट वेट ऑफ फॉलोइंग। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और क्या? ओके ओके ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। 3 × 10^21 एटम ऑफ नाइट्रोजन, बस ये थोड़ा सा फॉल्ट है ऑनलाइन में। 6 × 10^22 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 0.2 mole H2SO4 100 amu यूरेनियम, 11.2 ml H2S गैस, मार्कर सही रखा करो, एट STP 5.6 liter कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हटाओ इसको, एट STP हटाओ, दोबारा मंगवाएंगे, 0.2 gram एटम कैल्शियम, स्टूल हटाओ। अच्छा सीबू कह रहा है सर क्वेश्चन नहीं, अटेंडेंस लगा रहे हैं। अबे यार सीबू तुम भी यार कम नहीं हो यार, है? हमने इतना लिख लिया। अखिलेश कह रहा है सर नो प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या यार सीबू तुम्हारे चक्कर में जो है। अब मैंने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो अब मैं इसको डिस्कस करूंगा, दूसरा वाला नहीं करूंगा, ऐसे ही करो। चलो हम भी बेटा, सबका क्या निकालना था? वेट। हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास फार्मूले हैं मोल निकालने के, चलो बेटा कोई बात नहीं, इसी बार में रिवाइज हो जाएगा। वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एटम होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। मोल का दूसरा फार्मूला है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 × 10^23, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन, अगर लीटर में है तो 22.4 और अगर ML में है तो 22,400। ये हमारे पास तीन फार्मूले थे, और आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, हम लोग चौराहे पर पहुंचते हैं और जहां बैठे वहां बोलो चौराहे का नाम मोल चौराहा। आपको यह भी मालूम है कि एटम के मोल को ग्राम एटम कहते हैं और मॉलिक्यूल के मोल को ग्राम मोल कहते हैं, राइट? सो हमें सभी का वेट निकालना है ग्राम में। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको एटम दिए गए हैं नाइट्रोजन के, नंबर दिया, वेट निकालना। सबसे पहले नंबर में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे
तो मोल आ जाएगा, कितना मोल आएगा, 1/200। भाई आपने इस वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड किया है, आपने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ऊपर 21 से नीचे 23 है, नीचे बचेगा 100 और 3 × 2 = 6, तो 1/200 बचेगा। अब मेरे को निकालना क्या था, वेट, मोल आ गया है, वेट निकालना है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि बेटा आपको ये एटम दिए गए थे, तो एटम का मतलब ये जो मोल आया होगा ये ग्राम एटम होगा, ये जो मोल आया है वो एटम का मोल आया है, तो इसको वेट में बदलने के लिए हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर एटम का मोल है, अगर एटम का मोल है तो एटॉमिक वेट इस्तेमाल होगा, और मॉलिक्यूल का वेट मोल है तो मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होगा। देखिए उसी के नीचे मैंने जानबूझकर क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिए गए, तो सबसे पहले मोल निकालने के लिए आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, तो आपके मोल आ गए 1/10। अब ये मोल किसके आए हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल के मोल आए हैं, मतलब ये ग्राम मोल है, तो वेट में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 = 32, तो आपका आंसर आएगा 3.2 ग्राम। ठीक है बेटा, तीसरे में आइए, तीसरे में डायरेक्ट आपको मोल दे दिया गया है, मोल दिया गया, वेट निकालना कुछ करना ही नहीं है, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट आ जाएगा, H2SO4 मॉलिक्यूल है, कुछ मत करिए, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ सर गुड इवनिंग। हाँ बेटा बताओ। हाँ सर, हम सृष्टि बोल रहे हैं सर, हम ओमेगा में आपसे पढ़ते थे। हाँ बेटा जी, तो सर हम F3 बैच में पढ़ते थे, लगभग हमने 15 या 20 दिन आपके। अच्छा बेटा 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 बेटा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के बच्चों की, क्लास लेने के बाद मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है? ओके सर, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक? ओके बेटा। तो ये देखो बेटा, तीसरे वाले क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आपको मोल दिया गया, आपने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आप एटॉमिक वेट को ऐड करके निकालिएगा, 98 आएगा, तो ये तीसरे का आंसर हुआ। चौथे वाले में तो कुछ करना ही नहीं था पागल, आपको मालूम है AMU इज आल्सो ए यूनिट ऑफ वेट, जैसे वेट ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है, वैसे ही बेटा वेट AMU में भी होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर है। आपको वेट निकालना था, आपको वेट ही दिया गया है, 100 AMU वेट हो गया। अब वो अलग बात है कि अगर आप इस वेट को ग्राम में निकालना चाहते हो, तो आपको मालूम है AMU को ग्राम में बदलने के लिए 1.66 × 10⁻²⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ग्राम में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा AMU खुद एक वेट का यूनिट होता है, यह भी वेट ही दिया गया था, अगर ग्राम में निकालना है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्राम में बदल जाएगा, वहां पर मोल का कोई इस्तेमाल ही नहीं था बेटा। 11.2 ml H2S गैस दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, आपसे वेट पूछा गया, तो सबसे पहले वॉल्यूम में 22,400 से डिवाइड करके मोल निकालेंगे, फिर मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट निकालेंगे, सिंपल। वॉल्यूम ml में दिया गया है, इसलिए 22,400 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएंगे 3 0, तो 1/2000 मोल आ गया। अब मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 + 32 = 34, तो वेट आ जाएगा ये, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर भी वही सवाल है, वॉल्यूम लेकिन लीटर में दिया गया है, तो अब की बार मोल निकालने के लिए हम 22.4 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे 1/4। मोल को वेट में बदलना है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि CO एक मॉलिक्यूल है,
12 और 16 28, तो वेट आ गया 7 ग्राम। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या था, 0.2 ग्राम एटम। आपको मालूम है ग्राम एटम बोले तो मोल ऑफ एटम, कहने का मतलब आपको 0.2 मोल कैल्शियम एटम दिया गया है और वेट निकालना। सीधे मोल दिया गया है 0.2, एटम का मोल दिया गया है, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट आपको मालूम होगा 40 होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आंसर आ गया 8 ग्राम। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन के 7 सवाल थे जो मैंने आपको डिस्कस करे। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, बार बार फार्मूला लगाने का प्रयास मत करो बेटा, 11th की स्टाइल छोड़ो, अब आप कंपटीशन में आ गए हो, ये तो बेटा मतलब चीटी वाले सवाल है, चीटी वाले सवाल, अभी तो बेटा हाथी वाले सवाल आएंगे। तो चीटी वाले सवाल भी अगर 11 तरीके से करोगे, अगर आपको इस प्रकार से करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हाथी वाले सवालों में और प्रॉब्लम होगी। इसलिए जहां से आए हो वहां का सारा मटेरियल वहीं छोड़ आओ, हमारे पास बिल्कुल फ्रेश माइंड से आकर बैठो, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं सवाल करने को कहता हूं वैसे करो। ये फार्मूला आरूमा लगा जानते हो बेटा, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, हम लोगों को 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर यहां पर आप 11th 12th के तरीके से करोगे तो 3 घंटे में आप 100 सवाल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। यही तो हम लोग को सीखना है, दिस इज कंपटीशन। हमें ना सिर्फ अपनी चीजों को अच्छा करना होता है बल्कि हमें समय को भी बचाना होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया था। अच्छा, बात खत्म नहीं हुई है बेटा, अभी हम लोग मोल पर और भी सवाल करेंगे। चलो, वेट, मोल, वॉल्यूम, ये सब आप लोग कर लोगे, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब हम कुछ और सवाल कराते हैं। चल बेटा पानी है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए सब लोग ओके ओके ठीक है, खोलो बेटा। चलिए आइए बेटा, चलिए अब हम लोग मोल पर एक अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली वैरायटी को देखते हैं। तैयार हो सब लोग? चलो, आज की क्लास हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं। अगला बड़ा क्वेश्चन है, साथ में लिखिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन एस मैनी एटम्स एस इन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन एस मैनी एटम एस इन। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान देखेंगे बेटा। वन ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, और 40 ग्राम कैल्शियम और 32 ग्राम ऑक्सीजन और 216 ग्राम सिल्वर। ये क्वेश्चन, ठीक, सवाल को जरा हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके हाथ में 28 ग्राम नाइट्रोजन हमने रख दिया, तो इस 28 ग्राम नाइट्रोजन में जितने एटम्स हों उतने ही एटम्स
इनमें से किसके पास होंगे? ठीक, ये क्वेश्चन, जस्ट लिसन टू, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एटमों का आपसे पूछ रहा है। जब चर्चा एटमों की होगी तो हम एटम के लिए एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा मोल निकालेंगे, ग्राम एटम वाला मोल निकालेंगे। ठीक, अब मेरी बात सुनना जरा, एक बात, मतलब एक बात बताओ, ध्यान सुनना, आपका समय बचने वाला है तो ध्यान से समझना। अब आप 11 12th में नहीं हो, अब आप मेडिकल कंपटीशन का पढ़ रहे हो, सुनना। बट एक बात बताओ, मोल बराबर होता है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, होता है? अब सोचो जरा बेटा, ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये तो बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 6 × 10³। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका नंबर भी ज्यादा होगा, या जिसके मोल आपस में बराबर होंगे उसका नंबर भी आपस में बराबर होगा? आपको एग्जैक्ट नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछा ही नहीं जा रहा, आपसे तो सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि किसके नंबर ज्यादा होंगे, किसके नंबर कम होंगे, या किसके नंबर बराबर होंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, जिसका मोल कम उसका नंबर कम, और अगर दो लोगों के मोल बराबर तो उसका नंबर भी बराबर? यस, क्वेश्चन ये था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के पास जितने एटम्स हैं उतने ही एटम किसके पास होंगे। हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, यहां पर नाइट्रोजन का मोल निकाल लो और इन चारों का भी मोल निकाल लो, इनमें से जिसका मोल नाइट्रोजन के मोल के बराबर होगा उसका नंबर भी नाइट्रोजन के नंबर के बराबर होगा। वो बच्चे मूर्ख कहलाएंगे मेरी नजरों में, जो इसके भी नंबर निकाल रहे हैं और इन सबके भी नंबर निकाल रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं कि किसके नंबर बराबर होंगे, वो बच्चे मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि नंबर निकाल कर तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जब नंबर हम निकालना ही नहीं है। हमसे तो यह पूछा जा रहा है किसके नंबर बराबर होंगे, तो सीधा सा आंसर है, जिसके मोल बराबर होंगे उसके नंबर भी बराबर होंगे। यस, अब देखना, अब आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है, आपको इसका मोल निकालना, तो बी केयरफुल, चर्चा किसकी चल रही है? अरे यार अंकित, ये सब मत करो, देखो बेटा है, ऐसा मत बोलो, बड़े सब चर्चा चल रही है बेटा एटम की, तो वेट को मोल में बदलने के लिए हम एटॉमिक वेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखो ऊपर, देखो दिखाई पड़ रहा है, इसका मोल आ गया वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 28 से मत कर देना, तो ये मोल आ गया 2। ये कौन सा मोल आया है? ग्राम एटम, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? एटम की। अब हम इन सबके भी क्या निकालेंगे? मोल, कौन वाले मोल? एटम वाले मोल, मतलब ग्राम एटम। वेट दिया गया, एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का 1, तो 1 ग्राम एटम। क्या इसके ग्राम एटम इसके ग्राम एटम के बराबर है? नहीं है। तो क्या इन दोनों के नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे? नहीं होंगे, यह आंसर नहीं होगा। 40 ग्राम कैल्शियम हमें ग्राम एटम निकालना है, हमें एटम के मोल निकालने हैं, हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, कितने ग्राम एटम आ गए? 1। क्या कैल्शियम के ग्राम एटम नाइट्रोजन के ग्राम एटम के बराबर है? नहीं बराबर है। जब मोल बराबर नहीं होंगे, जब ग्राम एटम बराबर नहीं होंगे, तो एटमों का नंबर भी बराबर नहीं होगा, यह आंसर भी नहीं होगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा चर्चा एटमों की चल रही है, डिवाइड एटॉमिक वेट से करेंगे, 16 होता है एटॉमिक वेट, 16 से डिवाइड किया आपने, 2 ग्राम। ओ हो, ये देखो,
ऑक्सीजन के ग्राम एटम नाइट्रोजन के ग्राम एटम के बराबर है, तो जितना नंबर यहां पर होगा एटमों का उतना ही नंबर यहां पर होगा एटमों का, तो ये आपका आंसर होगा। आगे चलिए, यहां पॉइंट लगा लेना, पॉइंट। सिल्वर का वेट दिया गया, चर्चा चूंकि एटमों की हो रही थी, डिवाइड एटॉमिक वेट से करेंगे। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 है, डिवाइड करिए 0.2 ग्राम एटम आया। क्या इसके मोल उसके मोल के बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए हेलो हाँ? मैं क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं। क्लास में कितने बजे ओवर? 5:30। ठीक है बेटा, तो इसके मोल उसके मोल के बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज सी। सोचो, तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सिर्फ मोल निकालकर तुमने आंसर बता दिया, और जो नादान खिलाड़ी होंगे वो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से, इनमें भी मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से, फिर चेक करेंगे किसका नंबर आपस में बराबर है। आंसर उनका भी मैच करेगा, लेकिन उन्होंने समय ज्यादा नष्ट कर दिया। ये कंपटीशन है, हमें यहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। कैसे अपने समय को बचाया जाए? हमने सेकंड वाले फार्मूले को देखा, एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो जिसके मोल बराबर होंगे उसके नंबर भी बराबर होंगे। ओके, अच्छा, तो ये सवाल क्या हो गया बेटा? 28 ग्राम नाइट्रोजन के पास जितने एटम्स हैं उतने ही एटम 32 ग्राम ऑक्सीजन के पास भी होंगे। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मेरे बच्चों को यह क्लियर हो गया कि इन पांचों में वेट को मोल में बदलने के लिए हमने एटॉमिक वेट से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? एटम की चल रही है। बात समझ में बेटा आया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? लिख लीजिए। हाँ बताओ, क्लास में है, बताओ। चलो, तुम लोग बिजी लोग हो, हम लोग खाली लोग हैं। चलो ठीक है, अभी क्लास में है। सुनो बेटा, हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब कभी क्वेश्चन कंपैरिजन पर हो, किस पर हो बेटा? कंपैरिजन पर हो, तो हम कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालते हैं। आपसे सवाल ये आता कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के पास कितने एटम होंगे, मतलब क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है, तो आप पहले मोल निकालते, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो नंबर ऑफ एटम आ जाते। यहां पे क्वेश्चन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा था, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जितने एटम इसके पास है उतने एटम इनमें से किसके पास होंगे। तो सीधा सा हमने क्या किया, इसके ग्राम एटम निकाल लिए और इन चारों के ग्राम एटम निकाल लिए। जिसके ग्राम एटम इसके ग्राम एटम के बराबर हो गया, वही आपका राइट आंसर होगा। ओके बेटा, चल अच्छा, अब जरा मेरे बच्चे बताएं, लिख लिया? यस सर बोल दिया। करो बेटा, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जरा ऑनलाइन में। चलो लिख लिया बेटा? अखिलेश, सीबू, प्रतिभा, मनीषा, प्रिया, राधे श्याम, श्रियांशी, लिख लिया बेटा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि मैंने एग्जैक्ट नंबर को क्यों नहीं निकाला, मैंने मोल निकालकर क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर दिया? क्या सवाल क्लियर हुआ बेटा? यस सर, विकास ने मैसेज किया, यस सर क्लियर हो गया है। और बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को? श्रियांशी बेटा, यस सर, सर क्लियर हो गया है। मनीषा टाइप कर रही है, यस सर क्लियर हो गया है। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं
सबको ये सवाल क्लियर हुआ। अच्छा अब सुनना, अब सुनना तू बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन एस मैनी मॉलिक्यूल, अगर मैं यहां मॉलिक्यूल लिख देता मतलब चर्चा मॉलिक्यूल की हो रही है, तो कौन सा मोल निकालते? ग्राम मोल, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते, फिर जो मोल आता हम उसको कंपेयर करते। तो ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही मोटी बात है। एटम की चर्चा होगी तो एटॉमिक वेट इस्तेमाल होगा, और मॉलिक्यूल की चर्चा होगी तो मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अच्छा भाई, चलो भाई ये भी हो गया। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को लेकर कुछ और डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है, कुछ और करते हैं। अच्छा बेटा, अब तुम लोग मुझे बताना, तुम लोग बताना, अगर मान लो कभी सवाल ऐसे आ जाए कि इनमें से किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा या इनमें से किसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, तो अगेन देखिए वो कंपैरिजन करा रहा है, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, जैसे दूसरे वाले फार्मूले में नीचे वाला नंबर कांस्टेंट होता है, जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, जिसके मोल बराबर उसके नंबर, मोल बराबर होंगे उसका वॉल्यूम भी बराबर होगा, ध्यान रखिए। ओके बेटा, बात हो रही। तो मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं यहां पर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एट एसटीपी, जैसे क्वेश्चन दिया इनमें से किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया 4.4 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड गैस, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, और कुछ भी दे सकते हैं 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो अगेन, देखो बेटा, इन्होंने ये नहीं पूछा कि सबके वॉल्यूम निकाल कर दिखाओ ना, इन्होंने ये पूछा किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। अगेन देखिए, आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग सिंपल क्या करें, इन चारों गैसों के मोल निकाल लें। अच्छा, अब यहां भी मेरे बच्चों को एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आपको मजा आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, गैसेस आर ऑलवेज मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। गैसें जो होती हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल होती हैं, मतलब गैसों के केस में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। सिर्फ बेटा इनर्ट गैस ऐसी होती हैं जो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, बकाया जितनी भी बेटा गैस होती हैं वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती हैं। हम कहना क्या चाहते हैं बहुत अच्छे समझिएगा बेटा, मेरी आदत है मैं कठिन नहीं पढ़ाता हूं, मैं छोटी बातें पढ़ाता हूं। अगर आपसे कोई बोले हाइड्रोजन गैस, तो ये अंडरस्टूड है कि वो आपको दे रहा है H2। हाइड्रोजन गैस का मतलब H नहीं हो सकता, गैसें हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, सिर्फ इनर्ट गैसें एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। अगर आपसे किसी ने बोला ऑक्सीजन गैस, तो ये अंडरस्टूड है O2। यहां तो
समझ में आ ही रहा है मॉलिक्यूल है, और यहां पर भी समझ में आ रहा है मॉलिक्यूल है। तो मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो, अगर गैस लिख दिया गया है तो वो मॉलिक्यूल ही होगा हमेशा। ठीक, अब देखना बेटा हम क्या करें, इन चारों वेटों को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लें। तो जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, तुम्हें एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए सबके मोल निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 14 दूनी 28, 28 और 16 44, डिवाइड करिए 0.1 मोल आया। यहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2, मोल कितना आया 0.1। यहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, 16/32 0.5। और यहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, 32 और 32 64, तो 6.4/64.1। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन का जो मोल आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, और अगर मोल सबसे ज्यादा होगा तो गारंटी है इसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप इन चारों मोलों में 22.4 से मल्टीप्लाई करें और एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालें, कोई जरूरत नहीं है। जिसका मोल ज्यादा होगा गारंटी है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा ही होगा। सो सी इज द राइट आंसर। और आपने ये सवाल करते समय एक इंपॉर्टेंट चीज भी सीखी कि गैस हमेशा मॉलिक्यूल होती है, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस हीलियम नियन आर्गन जो एटॉमिक होती है। ठीक है, इस सवाल को लिख लीजिए। और यस सर बोलिए, समझ में आया कि नहीं? बताइए, यस सर बोलेंगे? प्रतिभा, यस सर बताओ बेटा। यार अखिलेश, किसकी फोटो लगाए हो डीपी में है, कौन है भैया? ठीक है, विकास कह रहा है सर सवाल क्लियर हो गया है, लिख लीजिए। किसी को प्रॉब्लम हो वो बताइए। मनीषा को क्लियर हो गया है, सियरांसी को क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। साक्षी, शिवांगी सक्सेना क्लियर हो गया है, साक्षी को क्लियर हो गया है, शिवांगी को क्लियर हो गया है। बेटा सभी लोग बताइए, आपने मोल कॉन्सेप्ट की पिछली दो क्लासें कर ली हैं? पिछली दो क्लासें करी होंगी तभी आज की क्लास मजेदार लगेगी। ये तीसरी क्लास चल रही है मोल कॉन्सेप्ट की। यस सर आ गया, अखिलेश को भी आ गया। राधे श्याम बेटा क्या बात है, मैसेज नहीं कर रहे हो? भाई सभी लोग किया करो भाई, आराम से पढ़ेंगे, हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं है भाई। राधे श्याम क्या हो रहा है बेटा? अंजुल, अरुण, एकल, बेटा एकल ग्रुप में किया करो मैसेज। चलो सबका क्लियर हो गया है। चलो तो बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी मैंने जो दो क्वेश्चन कराए तुम्हें यह समझ में आया कि मैंने दोनों क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि एग्जैक्ट आंसर एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा था। दोनों क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यही पूछा किसके एटम बराबर होंगे या किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो नीचे के दोनों फार्मूले आप देख सकते हैं, नीचे वाली चीज कॉन्स्टेंट है, जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, जिसका मोल बराबर उसका नंबर बराबर, जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका मोल बराबर उसका वॉल्यूम बराबर। आज आपने एक नई चीज भी सीख ली कि गैसें जो होती है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होता है, कभी भी एटॉमिक वेट इस्तेमाल नहीं होता। बेटा शिवांगी पिछली क्लास नहीं की है सर, आज कर लेंगे। हाँ बेटा देखो,
अभी तुम पता नहीं मुझे कितना जानते हो, काकादेव में आओगे तो अच्छे से जानोगे। देखो एक भी क्लास अगर मिस करते हो आप तो मान लेना, गांठ बांध लो, वो चैप्टर तुम्हारा सत्यानाश हो गया। सत्यानाश, चौपट। तुम्हें उस चैप्टर में कभी भी आत्मविश्वास नहीं आएगा अगर तुमने अपने अध्यापक की क्लास मिस करी है। चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई, तुम बीमार हो गए या घर पे कोई बहुत जरूरी काम आ गया, चलो मान लिया क्लास छूट गई, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अगली क्लास आने से पहले अपने किसी फ्रेंड से नोट्स लो, उस पिछली क्लास को कंप्लीट करो, जो डाउट आए अपने फ्रेंड से पूछो, फिर अगली क्लास को टीचर के साथ अटेंड करो। जिस दिन तुम मेरी इस बात को समझ जाओगे बेटा, आप लिख लीजिएगा, आपका उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। बेटा यह एक तपस्या है जो हमें 10 महीने करनी पड़ती है, 10 महीने, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने, दो महीने। आपने बड़ा डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई किया और फिर आप गड़बड़ा गए, सिलेक्शन नहीं होगा। 10 महीने की तपस्या है। यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने जिम जाकर कोई अपनी बॉडी नहीं बना सकता, कोई अपने सिक्स पैक नहीं बना सकता कि 24 घंटे तुमने डंबल उठा लिया और अगले एक महीने तुम सोते रह गए और तुम्हारी बॉडी बन जाए, नहीं बनेगी। उसी प्रकार से सिलेक्शन भी एक हफ्ते, एक महीने, दो महीने पढ़ने से कभी नहीं होता। ये 10 महीने की तपस्या है। जो बच्चा इस तपस्या करने के लिए तैयार है वही अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करे, वरना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना बेटा, इस तपस्या का जो फल मिलता है, व्हाइट कोट, उसकी जितनी इज्जत इस धरती पर है शायद उतनी इज्जत किसी की नहीं है। द सेकेंड गॉड कौन है? डॉक्टर्स। व्हाइट कोट पहन के जब कहीं जाओगे, अरे डॉक्टर साहब आ गए, अरे डॉक्टर साहिब आ गए, अरे आओ आओ आओ, इतनी इज्जत मिलती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत इज्जत मिलती है, पैसा बहुत मिलता है। आज इस कोविड पेंडेमिक में पूरा विश्व परेशान है और किसकी जय जय बोली जा रही है? दो लोगों की। एक वो रिसर्चर, वो साइंटिस्ट जो वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, और दूसरे वो डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो बोले इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, क्या 10 महीने हम कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या हम 10 महीने अपने सुखों का त्याग नहीं कर सकते? कर सकते। ध्यान रखिएगा मेरी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें बताते रहते हैं बच्चों को, खैर अभी इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सवाल बेटा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला सोचिएगा, सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक, बताना। मैंने कहा जिसके मोल बराबर उसका नंबर बराबर, बोलो हाँ या ना। हाँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मैंने बोला जिसका मोल बराबर उसका वॉल्यूम बराबर, बोलो हाँ या ना। हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तुम बताओ जिसका मोल बराबर, क्या मैं उसका वेट बराबर कह सकता हूं? जिसका मोल बराबर उसका वेट भी बराबर होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं? तो नहीं कह सकता, क्योंकि नीचे लिखी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग लोगों का एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट अलग अलग होता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिसके मोल बराबर उसका वेट बराबर होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर कभी सवाल आ जाए किसका वेट सबसे ज्यादा है, तो आपको वेट निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जिसका मोल ज्यादा उसका वेट ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते।
गॉट इट बेटा? जैसे जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सवाल है विच इज हैवीएस्ट, मतलब इनमें से सबसे भारी कौन होगा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन ये है। ये ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हमने पूछा इनमें से सबसे भारी कौन होगा, हैवीस्ट मतलब भारी कौन होगा। आप बताइए, क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होगा? नहीं कह सकता। अब तुम्हें इन चारों का वेट, एग्जैक्ट वेट निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करेंगे किसका वेट ज्यादा है। जिसका वेट ज्यादा होगा वो भारी भी सबसे ज्यादा होगा। ओके, देखो बेटा, पहले वाले में 2 मोल नाइट्रोजन एटम दिया है, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम, मोल दिया है नाइट्रोजन एटम का, तो अगर उसमें एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाएगा। तो पहले वाले में एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 से मल्टीप्लाई करिए, वेट आ गया 28 ग्राम। दूसरे वाले में देखिए, आपको SO3 का एक मॉलिक्यूल दिया गया है, मतलब आपको नंबर दिया गया है 1 और वेट निकालना है, तो नंबर में एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, फिर मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा। नंबर दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो उसका मोल आ गया, और फिर इस मोल में मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर वेट, 32 प्लस 16 = 48 80, तो ये इसका वेट आ गया। क्लियर? आप देख सकते हैं बेटा, जब डिवाइड करेंगे तो 6 दो बचा, 3 बार जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। 100 AMU यूरेनियम आपको वेट दिया गया है, क्योंकि कंपेयर करना है तो सबका वेट ग्राम में निकाल लो, तो इसमें कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक वेट को दूसरे वेट में बदलना है, और AMU को ग्राम में बदलने के लिए 1.66 × 10⁻²⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वेट आ गया इतने ग्राम। 100 ग्राम मोल ऑक्सीजन, ग्राम मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूल के मोल दिए गए हैं, और जब मॉलिक्यूल के मोल दिए जाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और आप इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ग्राम मोल था ये, देखिए। तो आप देखिए बेटा, पहले वाले का वेट आया है 28 ग्राम, दूसरे वाले का वेट आया है बहुत कम हो गया, तीसरे वाले का वेट भी बहुत कमी है, और चौथे वाले का वेट है 320 ग्राम। तो आप बताइए, सबसे ज्यादा वेट किसका आ रहा है? चौथे वाले का आ रहा है, तो सबसे ज्यादा हैवी कौन होगा? चौथा वाला होगा। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं फिर से अपने बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या आज मैंने समझाना चाहता हूं, क्या वो तुम्हारी समझ में आया कि नीचे के 2 फार्मूलों में ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ऊपर वाले फार्मूलों में ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जिसका मोल बराबर है उसका वेट बराबर होगा ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता।
लेकिन जिसका मोल बराबर है उसका नंबर बराबर होगा, जिसका मोल बराबर है उसका वॉल्यूम बराबर होगा, यह बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ाइए था, बोलो बेटा, यस सर और नो सर, बोलो यस सर और नो सर। हाँ बेटा शिवांगी बेटा आज कर लेना। बोलो क्या इन तीन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्या इन तीन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? अखिलेश बता रहा है ईमा वॉटसन है सर। हा हा हा, अबे कभी हमारी फोटो लगा लेना। अंजुल यस सर ओके है तीनों सवाल। मनीषा यस सर तीनों सवाल ओके हैं। तो चलिए सभी बच्चों को सवाल क्लियर हुए होंगे, अब हम लोग कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको और कुछ और लिख लिया बेटा, लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग बताओगे। अब तुम लोग हो नहीं वाला वाला मजा आता है, सामने नहीं हो तुम लोग। एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आईआईटी का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चेक करना चाहूंगा कि क्लास एट्थ पास करके आए हो कि नहीं आए हो, कि सीधे ट्वेल्थ में आ गए थे। देखते बताना अंकित, तुम भी बताना। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे जेब में 10 रुपए हैं, तुम्हारे जेब में 10 रुपए और अंकित भैया ने 2 रुपए की कंपट खा ली है। कंपट समझते हो, 1 रुपए का पहले 10 मिलते थे, नारंगी नारंगी होते हैं, आजकल 1 रुपए का 1 मिलता है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए थे, तुमने 2 रुपए के कंपट खा लिए, बताओ तुम्हारे जेब में कितने रुपए बचे? बताओ, 8 रुपए बचे। देखो अंकित भैया ने बोल दिया, अंकित भैया ने बता दिया सर 10 रुपए थे, 2 रुपए खर्च कर दिए, तो माइनस कर दो तो बचे हुए रुपए आ गए। अंकित भैया उसे आ रहे हैं, धन्य से आंसर बताया, 10 रुपए थे, 2 रुपए खर्च कर दिए, 8 रुपए बचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ जाना बेटा अंकित, अब बताओ जा, तुम लोग बताओ। मान लो तुम्हारी जेब में $1 था, डॉलर, अमेरिका से आए हो तुम लोग, है बैठे बैठे तुमको हमने अमेरिकन बना दिया, यही मेरी क्वालिटी है। ठीक है, तुम्हारी जेब में $1 था, तुमने उसमें से 50 रुपए खर्च कर दिए, और सवाल यह है बताओ तुम्हारी जेब में कितने पैसे बचे? अब अंकित भैया नहीं बता पा रहे हैं, अब अंकित भैया लटक गए, और तुम लोग भी जहां बैठे हो लटक गए। यहां तो बहुत तेज आंसर दिया, 10 में 2 गया 8, यहां इतना समय क्यों लगा रहे हो? जानते हो क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम लोग अच्छे हो। हां, तुम इतना समय लगा रहे हो, इससे ये प्रूफ होता है कि तुम्हें चीजें आती हैं, तुमने क्लास एट्थ पास करी है, नकल नहीं करी, क्योंकि तुम समझ गए कि सर डॉलर से रुपए को घटाया नहीं जा सकता, घटाया या जोड़ा उसी को जा सकता है जिसकी यूनिट आपस में बराबर हो। रुपए से रुपए को घटा सकते हैं, डॉलर से डॉलर को घटा सकते हैं, लेकिन डॉलर से रुपए को घटाया नहीं जा सकता। क्या करें, कुछ ना करो बेटा, आपसे आंसर किस में पूछा जा रहा है? पैसों में। तो आप इस डॉलर को पैसों में बदल लो, ठीक, कि $1 में इतने रुपए और 1 रुपए में इतने पैसे, गुणा कर दो, पैसा आ गया।
और इस रुपए को भी पैसे में बदल दो। अब तुम क्या करोगे, इतने पैसे थे, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो कितने पैसे बचे, अब आपने इनको माइनस कर दिया तो धन से आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? आप अच्छे हो बेटा, आप जानते थे कि जब यूनिट बराबर नहीं होती हैं तो उनको माइनस या प्लस नहीं किया जा सकता। हम डॉलर से रुपए नहीं घटा सकते, तो क्या करें? आपको आंसर किस में चाहिए था? पैसों में चाहिए था। आपने डॉलर को पैसे में बदल दिया, आपने रुपए को पैसे में बदल दिया। अब इतने पैसे थे, इतने पैसे खर्च कर दिए, दोनों को माइनस करो तो कितने पैसे बचे, आ गया। ठीक है, चलो आप सोच रहे होंगे इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है। देखो जरा, देखो देखना, सुनो बेटा, एक सवाल आया बेटा आईटी में, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी एक बोतल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उससे भरी हुई एक बोतल है बेटा, जिसमें जिसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी। ठीक, एक बच्चा गया, अब बच्चे ने क्या किया, बोतल का ढक्कन खोल दिया, क्योंकि ये गैस होती है, जैसे ढक्कन खोला गैस जो है ढक्कन से बाहर निकलने लगी। तब तक बच्चे की मम्मी ने देख लिया कि मेरा बच्चा ढक्कन खोल रहा है, अभी से ढक्कन खोल रहा है, जवानी वाला पता नहीं क्या करेगा है? तो क्या हुआ, उसकी मम्मी दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने ढक्कन को बंद कर दिया। तो जब बच्चे ने ढक्कन खोला और जब तक मम्मी ने ढक्कन बंद किया, तब तक थोड़ी सी CO2 बाहर चली गई। तो सवाल था, कुछ CO2 बाहर निकल गई, उन्होंने बताया 3×10³ मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल गए। तो बताइए जरा, बताइए जरा, बोतल में CO2 के कितने मोल बचे। ये क्वेश्चन है, मतलब अब इसको आराम से अगर बोलें तो एक बोतल में 44 ग्राम CO2 थी, ढक्कन खोलने से बंद करने तक इतने मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल गए, तो बताओ बोतल में CO2 के कितने मोल बचे। अगेन सवाल वही है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो बची हुई चीज आ जाएगी। नहीं, फिर से वही बात, दिया गया है वेट, खर्च किया है मॉलिक्यूल, और बची हुई चीज किसमें पूछ रहे हैं, मोल में। इनको आपस में घटाया नहीं जा सकता। हम क्या करें, हम इसको भी मोल में बदल दें, हम इसको भी मोल में बदल दें, फिर दोनों को माइनस कर दें तो बचे हुए मोल आ जाएंगे। यस, वेट को मोल में बदलने के लिए पहला फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, मोल आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदलने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए, तो इतना मोल उड़ गया, इतना मोल था, इतना मोल उड़ गया, तो बचा कितना, तो बचे मोल आ गए, एक मोल था, 0.5 मोल उड़ गया, तो बचे कितने मोल, 0.5 मोल। दिस इज योर आंसर। सवाल समझ में आया बेटा? सवाल समझ में आया? तो ध्यान रखिए, जब यूनिट सेम होती हैं तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, राइट? तो एक मोल था, 0.5 मोल उड़ गया, तो बचा कितना, 0.5
मोर. दिस इज योर आंसर. राइट, लिख लीजिए. आगे बढ़ना है बेटा, लिख लीजिए सवाल को. आईटी क्वेश्चन है. बहुत सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं. मोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अनुज पोरवाल, नो प्रॉब्लम सर. बढ़िया बेटा, बढ़िया बेटा अनुज, बढ़िया जा रहे हो. विकास ने भी आंसर दे दिया 0.5 मोल, बहुत बढ़िया बेटा. 2400 पैसे बेटा. शिवांगी, सवाल की भावनाओं को समझो बेटा. मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा था कि घटाया या जोड़ा उसी को जा सकता है जिसकी यूनिट बराबर होती है. ठीक है, खैर 2400 पैसा आपने बोला है, हो सकता है आ रहा हो आंसर. चले, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं डियर. अगला एक क्वेश्चन है. बड़े बेटा चल, इस पे और सवाल बना सकते हैं. मान लो सवाल बना दे, एक सवाल और दे दे इसी पर, तुम लोग करके दिखाओगे. चलो इसी पर मिलता जुलता क्वेश्चन एक दे देते हैं. ए ये लो भैया, एक मिलता जुलता क्वेश्चन है. ठीक है, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन ए बॉटल. राइट, सो 0.9 हेलो, ठीक है सर, आते हैं सर तुरंत. ठीक है, एक सवाल बना रहा हूं बेटा, जस्ट ए मिनट. चले, तो इतने ग्राम H2SO4 एक बोतल में था, क्या हुआ 3×10^21 मॉलिक्यूल H2SO4 इज रिमूव्ड. हमने बोतल से इतने मॉलिक्यूल हटा दिए. तो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट इन द बॉटल. करो करो, इतने ग्राम H2SO4 एक बोतल में था, इतने मॉलिक्यूल हमने हटा दिए, तो आपको बताना यह है कि कितने मोल बोतल में बचे. आंसर देना बेटा, हाउ मैनी मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट इन द बॉटल. आंसर आराम से करिए. आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस घर पर जब सवाल लगाइएगा तब मत करिएगा, क्लास में कर सकते हो. एकल ने आंसर दिया है 9/200 मोल. एकल ने आंसर दिया है 9/200 मोल. एक बच्चे ने आंसर दे दिया है. चलिए
मैं बताता हूं, और कोई देगा आंसर? एकल ने दिया है आंसर 9/200 mole. चलिए मैं करता हूं, आप समझ गए, दी गई चीज है वेट, निकाली गई चीज है नंबर, और पूछी गई चीज किसमें है? मोल. तो जाहिर सी बात है अपन क्या करें, इसमें इसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करें तो इसका मोल आ जाएगा 49/90, करो 49/20 आएगा. और इसम को भी मोल में बदलने के लिए 6×10^23 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1/200 mole. मतलब 1/20 mole बर्तन में था और 1/200 mole आपने हटा दिया तो शेष कितना बचा? तो बचे मोल कैसे निकालोगे? जितना था उसमें से निकाला हुआ माइनस कर दीजिए. एलसीएम ले लीजिए 200, ये 10 और ये 1. बहुत बढ़िया बेटा एकल, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपने दिया है, 9/200 mole बर्तन में बचेंगे. बहुत बढ़िया, वेल डन डियर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया एकल ने. एक बच्चे ने और दिया है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लास्ट में मोबाइल नंबर है 278. अपना नाम बताओ बेटा, लास्ट में मोबाइल नंबर है 278, अपना नाम बताओ. प्रथमा बेटा गलत दिया आंसर. प्रिया ने दिया है 0.045. हो सकता है 9 में 200 से डिवाइड करने पर 0.045 आ रहा है. बिल्कुल सही, प्रिया का भी सही है. बड़ा शिवांगी क्या हो रहा है? राधे श्याम, सीबू, श्रेयांशी, ठीक है. चलिए आइए बेटा, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन और करते हैं, आए लिखेंगे क्वेश्चन साथ में, लिखिए लिखिए. ड्यूरिंग ए सिग्नेचर, ड्यूरिंग ए सिग्नेचर 1 microgram कार्बन स्टक ऑन पेपर, फुल स्टॉप. कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन सिग्नेचर. मैं करूंगा, सवाल में कोई दम नहीं है, फर्जी सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया. पेंसिल जानते हो? पेंसिल, पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है. एंड व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज कार्बन, ग्रेफाइट इज कार्बन. क्या हुआ, हमने पेंसिल से एक ऐसे करके साइन किया, ऐसे नहीं लोग साइन करते हैं, हमने. तो जब आपने पेंसिल से पेपर पे साइन किया तो पेंसिल का जो ग्रेफाइट था वो आपकी कॉपी पर चिपक गया, वही आपको दिखाई पड़ता है. तो सवाल ने क्या बोला कि जब आपने अपनी पेंसिल से साइन किया तो 1 microgram कार्बन पेपर पर चिपक गया, स्टक माने चिपक गया. तो आपको यह बताना है कि इस सिग्नेचर में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हमने मान लीजिए सिग्नेचर किया विकास पोरवाल, ऐसे किया, तो सिग्नेचर करने में हमारी पेंसिल का 1 microgram सिग्नेचर में चिपक गया. आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम,
माइक्रोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, पीकोग्राम, दे ऑल आर द यूनिट ऑफ वेट। मतलब आपको वेट दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले चौराहे पर पहुंचेंगे, वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा, और मोल में एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा। राइट, देखो बेटा, हमें मालूम है, हम लोग वेट हमेशा ग्राम में रखते हैं। आपको मालूम होगा एक माइक्रोग्राम बराबर 10^-6 ग्राम होता है। ये आप लोग फिक्स में भी पढ़ेंगे, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको बदल दिया ग्राम में, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, आपका मोल आ गया। और मोल इंटू मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो। ये 23 में से 16 गया, कितना बचा? 17, और 17 में एक जीरो लगा दो, 16, 12 पंचे 60, 5×10^16 एटम, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, 12×60.5 आ गया, दशमलव हटाएंगे 10^-7 हो गया, तो 5×23 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 23 में से 7 घटाओ 16 बचेगा, 5×10^16 एटम। मतलब आपने जो ये सिग्नेचर किया जिसमें एक माइक्रोग्राम कार्बन चिपक गया, तो इस एक माइक्रोग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, सब लोग लिख लेना इसको। देखो बेटा क्या है, आज तारीख कितनी है, 5, 4 तारीख है बेटा। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जो बच्चे अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट ने नीड का फॉर्म भरा हुआ है जो 13 तारीख को है। तो अगले 7 दिन हम आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, आप अपना घर पर बैठकर थोड़ा बहुत चाहो तो नीड की प्रिपरेशन कर सकते हो। कोचिंग्स को भी नीड की प्रिपरेशन करनी है, कुछ काम करने हैं नीट के लिए जो 13 तारीख को पेपर होना है, इसलिए अगले 7-8 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपका जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, उस ग्रुप पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डालते रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है। ओके, जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है उनके कुछ क्वेश्चंस अपने डेस पर पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो 135 में आपकी क्लास होती है तो 135 में कुछ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ते रहेंगे, वो आप करते रहिए, अपना एचडब्ल्यू डालते रहिए। नेक्स्ट क्लास, तीनों क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की नीट के पेपर के बाद होगी। ओके, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, एंड आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग 13 तारीख के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, ओके भाई, थैंक यू।